हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने जा रहा हूँ सीयू सेट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि सीयू सेट होता क्या है। तो सीयू सेट जो है वो कॉमन एडमिशन टेस्ट है कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि इंडिया के जो है बेस्ट यूनिवर्सिटियों में से एक है और जो कि कोची में है और वो केरला स्टेट में है। तो चलिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे और किस किस कोर्स के लिए जो है कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, फॉर्म जो है कब भरे जाएंगे और क्या क्या किस तरीके से आप फॉर्म को भरेंगे, ये पूरा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स, मतलब ये जो एडमिशन के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकले हैं ये किस किस कोर्स के लिए निकले हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है एडमिशन का वो बीटेक एमटेक के लिए है, इंटीग्रेटेड एमएससी एमए और एमएससी के लिए है नॉर्मल एमएससी के बारे में, उसके बाद बीकॉम के लिए है, एलएलबी है, एलएलएम है, बीबीए एलएलबी भी है, बी वोकेशनल एम वोकेशनल है, एमफिल पीएचडी के लिए है, एमबीए के लिए है और भी कुछ कोर्सेज के लिए है, जो कि यहाँ पर मैंने पूरा लिस्ट आउट नहीं किया है, जो कि आप वेबसाइट में जाके आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ कि जो एमफिल और पीएचडी कोर्स है इसके लिए आपको जो है कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके अप्लाई करना होगा। मतलब एमफिल पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो फिर आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरेंगे, आप डायरेक्ट कंसर्न डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे। उसके बाद दूसरा यह है कि अगर आप यहाँ पर एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है कैट के थ्रू तो जा ही सकते हैं। कैट का मतलब ये जो कॉमन एडमिशन टेस्ट जो कि कोचिन यूनिवर्सिटी ले रही है उसके थ्रू तो आप जा ही सकते हैं, पर साथ ही साथ आप सी मैट के मैट और जो आई एम कैट एग्जाम लेती है उसके थ्रू भी आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं वेबसाइट, तो इसका कंप्लीट डिटेल आप जो है admissions.cuset.ac.in में जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मेन्यू हैं, उसमें आप पूरा प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या अगर टेस्ट होता है तो उसका सिलेबस क्या है, ये सारा डिटेल, कितने सीट्स हैं और रिजर्व सीट कितने हैं, ये सारा डिटेल वहां पर आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है जो हमें ख्याल रखने की जरूरत है। पहला जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपका 30 जनवरी से लेके 21 फरवरी तक है, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर फाइन के साथ आप 28 फरवरी तक भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कैट का मतलब है कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर द कोचिन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इस केट को आप आईएम वाला केट ना समझे। उसके बाद ये है कि जो रिमिटेंस ऑफ फी है जो कि केवल ऑनलाइन है उसका डेट है 30 जनवरी 2019 से लेके 1 मार्च तक। इसका मतलब ये है कि आप 30 जनवरी से लेके 1 मार्च के बीच तक जो है आप अपना फी सबमिट कर सकते हैं, पर यहाँ पर फी केवल ऑनलाइन ही सबमिट होगा। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सीट्स रिजर्व फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट, मतलब अगर कोई इंटरनेशनल कैंडिडेट है तो अगर उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए 30 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का टाइम है। उसके बाद है एक्सटेंडेड पीरियड फॉर एमटेक प्रोग्राम, मतलब केवल एमटेक प्रोग्राम के लिए जो एक्सटेंडेड डेट है वो 15 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक है, ठीक है, और फाइन के साथ वो 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं, पर ध्यान रहे ये केवल एमटेक प्रोग्राम के लिए है। उसके बाद इशुएंस ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एमफिल एंड डिप्लोमा फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट, मतलब जो कंसर्न डिपार्टमेंट है पीएचडी एमफिल और डिप्लोमा के, वहां पर आप जो है फॉर्म सबमिट करना और रिसिप्ट लेने का जो डेट है वो 30 जनवरी से लेके 31 मार्च तक है। मतलब आप कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके पीएचडी एमफिल या डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको 30 जनवरी से 31 मार्च के बीच में अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि पीएचडी एमफिल और डिप्लोमा के लिए आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में डायरेक्ट जाके अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं 20 मार्च के बाद और 7 अप्रैल तक, मतलब 20 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक जो है आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है वो आपका 6 और 7 अप्रैल
को होगा। इसका मतलब कि आप एग्जाम के डेट तक भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, पर मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आप एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि लास्ट टाइम में कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट नहीं चल रहा है या काफी स्लो है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और लास्ट टाइम आप अपने एग्जाम के तैयारी में लगाएं, न कि एडमिट कार्ड और ये सब चीजों के में अपना दिमाग चलाते रहें। उसके बाद जो है हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई करेंगे। आप जो मैंने जो आपको वेबसाइट का लिंक दिया है, ये जो admissions.cusat.ac.in, इसमें जब आप जाएंगे तो वहां पर एक हाउ टू अप्लाई करके आपको एक मेन्यू होगा, और वहां पर जाके जो है आपको अप्लाई करने का पूरा डिटेल आपको मिलेगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, जब आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अपना पर्सनल डिटेल और रिजर्वेशन के बारे में, अगर आप कोई रिजर्व क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन देने हैं, उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर का सॉफ्ट कॉपी रखना है जो कि जेपीजी और पीएनजी में होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फोटो का मैक्सिमम साइज जो है 500 KB है और सिग्नेचर का मैक्सिमम साइज जो है वो 100 KB है, और फोटो का जो साइज होना चाहिए वो 150px/180px होना चाहिए, और यहाँ पर जो आपके सिग्नेचर का साइज होना चाहिए वो 130px/57px होना चाहिए। उसके बाद चौथा स्टेप में आपको कोर्स का सिलेक्शन करना है, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके उस कोर्स का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। पर यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कोर्स सिलेक्शन में ध्यान रखना है कि सपोज दैट आपने MBA जो है सिलेक्ट कर रखा है तो आपको CMAT, KMAT या फिर जो IIM वाला KAT है उसके, अगर इसके स्कोर के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं तो इनके स्कोर कार्ड आपको वहां पर अपलोड करना पड़ सकता है या फिर उसके स्कोर्स आपको डालने पड़ सकते हैं और उसके रोल नंबर वगैरह देने पड़ सकते हैं। उसके बाद आप जो भी फॉर्म भरेंगे, पूरा रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका एक शॉर्ट प्रीव्यू आएगा, उसको आप देख लीजिए, उसके बाद तब आप जो है पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद आप अपने सेंटर का सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप एग्जाम देने कहाँ पर जाएंगे, किस सेंटर पर जाएंगे। और लास्ट में हमेशा ये ध्यान रखें, क्योंकि ये वेबसाइट में भी मेंशन है, कि जब सारा चीज आपका हो जाए तो जो आपका कंफर्मेशन पेज है उसका जो है आप जरूर प्रिंट आउट निकाल लें, जिससे कि फ्यूचर में अगर आपको किसी तरह का कम्युनिकेशन करना हो तो आप इसको दिखा सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल था सीयू सेट के बारे में, और ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और इंडिया में इसका काफी नाम है, टॉप के यूनिवर्सिटी में इसका नाम आता है। अगर मैं बात करूं MCA कोर्स के लिए तो यहाँ का जो MCA कोर्स है उसको बहुत ही बेस्ट माना जाता है। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो आप जरूर जल्दी से जल्दी जो है अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दें और इसकी तैयारी पे लग जाएं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, गुड बाय।